बलूचिस्तान के क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है और वहां से एक नई वार्निंग सामने आई है। एक वीडियो क्लिप जो बलोच लिबरेशन आर्मी ने रिलीज किया, आवर अटैक वाज वेरी क्लियर, इट वाज अ सिंपल एंड क्लियर मैसेज टू चाइना एंड पाकिस्तान टू विथड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम बलूचिस्तान। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, यू स्टिल हैव टाइम टू क्विट बलूचिस्तान और यू विल विटनेस अ रिटेलिएशन फ्रॉम बलूचिस्तान। अगर आप मरना नहीं चाहते तो बलूचिस्तान से विड्रॉ करें, तो वो अब चाइना के पीछे पड़ गए। और कल आपने सुना भी, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि सीपैक टारगेट है इस पूरे मामले का। तो बहरहाल एक इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर जो है वो बैरूनी भी मौजूद है रॉक साहब। लेकिन सब पहले भी जब हमारे कुछ होता है फौरन दो चार चीजें हम फौरन कह देते हैं ना, अपना काम करने की बजाय हम कह देते हैं राह ने कराया है, कहते हैं मुसाद ने करा दिया है, CIA ने करा दिया है, वो सारे वेले बैठे, तो आप अपना काम क्यों नहीं करते। पिछले एक डेढ़ साल से बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ गई है, काफी वायलेंस हो गया है, नेवी भी कई लोग मारे गए थे और पिछले दो तीन दिन में तकरीबन 70 से ज्यादा लोग मारे गए। इस सारी सूरत हाल में पूरी दुनिया में बैठे हुए मुबस्सरीन को और मुझे भी एज ए जर्नलिस्ट अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के हालात पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के काबू से मुकम्मल तौर पर बाहर हैं। क्या समझते हैं इसके ऊपर, इसके पीछे कौन होगा? सर इसका मुख्तसर सा जवाब तो ये है कि इसके पीछे जो हाथ है वो इंडिया का है। अच्छा, वो भारत का है, डेफिनेटली ऐसा ही है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APKN चैनल पे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो इस समय पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया में काफी हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि जिस जबरदस्त तरीके से BLA ने यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपने हक की लड़ाई और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अत्याचारों से तंग आकर के जो अटैक किया है, उसने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइना को भी हिला के रख दिया है। उसकी वजह यह है इस बार BLA ने कई अटैक उन एरिया में भी किया है जहाँ पे खासतौर से चाइना ने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, और उसके साथ साथ BLA ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें सीधे सीधे उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को डायरेक्टली धमकी दी है कि बलूचिस्तान के एरिया से निकल जाओ नहीं तो मारे जाओगे। यह अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट और मैसेज है BLA की तरफ से पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए, और यह भी बताता है कि किस तरह से बलूच लोग हैं पाकिस्तान सरकार से त्रस्त हैं, जो कि हकीकत है क्योंकि खुद कई पाकिस्तानी लोग भी इस बात को सरेआम TV पे आकर के बता रहे हैं कि बलूचिस्तान को किस तरह से मिस्ट्रीट किया गया है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को एक कॉलोनी की तरह न सिर्फ यूज किया है बल्कि उसका शोषण भी किया है, जिसके खिलाफ अब बलूचिस्तान के लोग उठ खड़े हुए हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। बलूचिस्तान के क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है और वहां से एक नई वार्निंग सामने आई है। इसमें उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिसमें बलोच लिबरेशन आर्मी इशू कर रही है अनदर वार्निंग टू चाइना एंड पाकिस्तान, और उनका है कि विड्रॉ फ्रॉम बलूचिस्तान इफ यू डोंट वांट टू डाई। अगर आप मरना नहीं चाहते तो बलूचिस्तान से विड्रॉ करें, तो वो अब चाइना के पीछे पड़ गए। आवर अटैक वाज वेरी क्लियर, इट वाज अ सिंपल एंड क्लियर मैसेज टू चाइना एंड पाकिस्तान टू विड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम बलूचिस्तान, दैट गवादर एंड द रेस्ट ऑफ बलूचिस्तान बिलोंग टू बलोच, इट्स आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर लैंड एंड सी। This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent. A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan or you will witness a retaliation from Balochistan. और हम जब चाइना का मीडिया देखते हैं तो उसके ऊपर यानी कि चाइना मॉर्निंग न्यूज ने इस खबर पर क्या लिखा है, ओवर 70 किल्ड इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस होम टू चाइना लेड प्रोजेक्ट्स। चाइना का चाइना मॉर्निंग न्यूज ये लिख रहा है कि बलूचिस्तान जो के चाइना का प्रोजेक्ट्स का हब है, वहां पर हुए मिलिटेंट्स के हमलों में 70 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कि जो चाइना मीडिया है वो ये लिख रहा है एटलीस्ट 73 पीपल हैव बीन कंफर्म्ड पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस आफ्टर सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स अटैक्स ऑन पुलिस स्टेशंस, रेलवे लाइंस, हाईवेज इन द नेशंस साउथ वेस्ट
एंड होम टू मेजर चाइना लेड प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग ए पोर्ट एज वेल एज गोल्ड एंड कॉपर माइनिंग। खैर उससे पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा खौफजदा हो चुके हैं और कितनी परेशानी में है कि अब हम क्या करें। उनकी तरफ से चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को वार्निंग दे दी गई है। उन्होंने नाम लेकर प्रेसिडेंट शी को कहा है कि तुम्हें वार्न कर रहे हैं, निकल जाओ यहां से। और कल आपने सुना भी, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि सीपैक टारगेट है इस पूरे मामले का। तो बहरहाल एक इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर जो है वो बैरूनी भी मौजूद है डॉक्टर साहब, लेकिन आपको लगता है कि अभी भी कोई बातचीत के जरिए से मामला निकल सकते हैं? आपने कोशिश की थी जब आप वजीर आला थे, वो जो क्यादत थी एक रवायती लोगों की हाथों में जो था, अब वो नौजवान बलूच यंगस्टरों के हाथों में आ गया। इनके साथ मुज़ाकरात करना वाकई मुश्किल है। मैं जब उस ज़माने में जब मैंने मुज़ाकरात पे जब हम गए थे उस वक्त मुज़ाकरात के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे। डॉक्टर साहब आपको आप हल क्या है? मेरा हल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि बलूचिस्तान के अवाम को उनके वोट काक दो, लापता अफराद का मसला हल करें। कि हमारे पास तो अब तक वो कहते हैं कि जी हमने ये किया है, पर यह है कि बलूचिस्तान के हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। हमें जो है ना बाकी सूबों के बराबर लाने के लिए आपको मसीह जो है ना इकदाम की ज़रूरत है। और बलूचिस्तान में जो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब लड़के क्या करें, तो डेफिनेटली जो है ना वहाँ ऐसे माहौल भी मौजूद है कि उनको कहेगा कि जी ये मुल्क आपको कुछ नहीं दे सकता है, लिहाजा आप बंदूक उठाएं। बलूचिस्तान का मसले का हल ये है कि बलूचिस्तान और वफाक के माबैन एक तनाज़ा है और ये तनाज़ा काफ़ी अरसे से है, गुज़िश्ता 70 साल से है। और उनका सबसे बड़ा गिला बलूचों का सबका यही है कि हमें वफाकी वादत की हैसियत कभी दी भी नहीं गई। अभी तक बलूचिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा सुप्रीम इदारा है या जो वो क्या कहते हैं कि ट्रेडिशन है कि जी पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट की जो मुंतखब करने का तरीकेकार है उस पर भी कदगने हैं, वो आज़ादी नहीं है। दूसरी बात यह कि इंसानी हकूक की मुसलसल पामाली होती है जिस पर अदालतें भी खामोश हैं और हमारी जो मुख्तदरा है, बड़े इदारे हैं, वो भी इस पर कोई तवज्जो देने के लिए आमादा नहीं है। तो इस नतीजे में इसका बलूचिस्तान को जब तक इस्लामाबाद ये रियलाइज न करे कि जी हमसे गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं बलूचिस्तान के साथ, उसका डेवलपमेंट डेफिसिट है, तब तक रखिया की खतारा है सियासी शोबे में, इसको हम एक कॉलोनी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, लेट्स हैव अ फेयर प्ले। जिस दिन इस्लामाबाद में ये रियलाइजेशन आ गया तो अगर बलूचिस्तान के मामले में इस तरह की कोई पेशरफ्त होती है तो स्लोली और ग्रेजुअली जो हमारे बहुत ही नाराज नौजवान हैं, जो उन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपनाया हुआ है, ताकत का इस्तेमाल अगर दोनों तरफ से किया जाएगा, आजकल के हालात में ये मजीद नफरतें, मजीद मुश्किलात और मजीद इलाके में जो है मसाइल पैदा करने का बायस बनेगा। लापता अफराद की तादाद में इजाफा होगा, मजीद मशूदा लाशें गिरेंगी, मजीद औरतें सड़कों पर रोती हुई नजर आएंगी, बलूचिस्तान में मजीद सड़कें तबाह हो जाएंगी, बलूचिस्तान की इकॉनमी तबाह हो जाएगी, जो कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो मजीद बढ़ेगा, कम नहीं होगा।